ये जो कार है वैगनार है, वैगनार के सीरीज न्यू मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर जो एसी का हवा है, फ्लो जो है एसी का बहुत स्लोली आ रहा है, ठीक है। इधर जब हाथ लगा रहे, इतना दूर रख रहे तो पता ही नहीं चल रहा कि एसी में हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम नज़दीक रख रहे तो हवा लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, जैसा कि देख सकते हैं चारों विंडो में इसके जो हवा बहुत स्लो आ रहा है, और एसी का जो ब्लोअर है जब चार नंबर पे लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि दो नंबर पे चल रहा है, इतना स्लो हवा इसके अंदर आ रहा है। तो आप सबको पता ही है, बहुत लोग को नहीं भी पता रहेगा, बट ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि इसके अंदर एक फ़िल्टर आता है, ठीक है, जिसको कैबिन फिल्टर भी कहते हैं, एसी फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैबिन के अंदर लगा हुआ है इसलिए कैबिन फिल्टर भी बोलते हैं। बाहर का जो कचरा है वो भी रोकता है वो, ठीक है, जो फ्रेश हवा बाहर से आती है उसको भी रोकता है। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी मैंने इसमें चेक कर रहा हूँ, इसमें हवा बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है। तीन दो नंबर पे मैंने लगाया, तीन नंबर पे ऐसा लग रहा है हवा आ ही नहीं रहा है, लेकिन चार नंबर पे करते तो ऐसा लगता है कि एक या दो नंबर पे लगा, अभी फुल पे लगाने के बाद भी बहुत स्लो हवा आ रही है। अभी मैंने चार पे लगा दिया लेकिन इसमें हवा जो है बहुत कम आ रहा है, और दो पे लगाएंगे तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कूलिंग भी कम आ रही है, तो उसको देखते हैं। इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ रहता है जो ग्लो बॉक्स के अंदर है, ठीक है। इसको क्या है, कभी कभी जब भी गाड़ी सर्विस करते कुछ लोग साफ़ करते या रिप्लेस करते, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ओला वगैरह उबेर वगैरह में चलती है, ज़्यादा रनिंग करती है, तो आपको इसको कम से कम हफ्ते में खुद खोल के साफ़ करना चाहिए इसको। अगर ज़्यादा गाड़ी रनिंग करती है और धूल वगैरह में ज़्यादा चलती है तो उसको खुद खोल के साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको खोलने के लिए बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, ज़्यादातर गाड़ियों का ग्लो बॉक्स के अंदर ही रहता है, ग्लो बॉक्स निकालना है, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा कटा लेना है इसको, उसके बाद आराम से निकल जाता है ये। और ये इसका लोकेशन है फिल्टर का, यहाँ फिटिंग रहता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये फ्लैप निकालना है बाहर इसको और ये निकालना है, ठीक है। ये फिल्टर है इसका, इसको कैबिन फिल्टर भी कहते हैं, एसी फिल्टर भी कहते हैं। जैसा कि देख सकते हो ये फिल्टर है, इसके अंदर कचरा देख लो कितना ज़्यादा कचरा इसके अंदर, देख सकते हो जैसा कि इसमें जो कचरा है कचरा पूरा भरा हुआ है। तो इसको हवा मार के क्लीन कर सकते हो, या तो रिप्लेस कर दो अभी ये चलने के जैसा है, लेकिन अगर ज़्यादा जाम हो गया तो फिर रिप्लेस करने में बेहतर रहता है। अगर आप फिल्टर नहीं लगाओगे तो आपका इसका जो कूलिंग कॉइल है, एवेपरेटर जो है वो ख़राब हो जाता है। ये फ़िल्टर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग ऐसा मैंने देखा है कि लोग फ़िल्टर निकाल के फेंक देते, हवा तो बहुत तेज़ आती है फ़िल्टर निकालने के बाद, बट वो आपकी कूलिंग कॉइल में जो सारा कचरा है बाहर का, वो आपके कूलिंग कॉइल में जा जा के चिपकते रहता है, बाद में ऐसा होता है कि कूलिंग कॉइल पूरा बंद हो जाता है। तो इसको हवा मार देते, ठीक है। इसको हम लोग हवा मार के लेके आ गए, ठीक है। इसको ऐसा बिठाना है, इस पर लिखा भी रहता है, इसलिए देख ऑफ लिखा हुआ है, पोजीशन इसमें लिखा हुआ रहता है, हर गाड़ी में एरो बना हुआ रहता है, पोजीशन लिखा हुआ रहता है, ऑफ जैसा बना हुआ है इसके अंदर उसके हिसाब से लगा देना है। उल्टा भी लगाएंगे तो हवा थोड़ा कम आता है इसके अंदर, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो ऑफ बना हुआ है, ऐसा लगा देना है इसको। उसके बाद एक कवर है और एक कवर लगा देना है, ये कवर इसका, ऐसा कवर प्रेस कर देना है, लग जाता है। और उसको निकालने के लिए सिर्फ उसको साइड से ऐसा दबाना, दिखा भाई ऐसा दबाना है और उसको बाहर निकाल देना, निकल जाता है, ठीक है। ये तो ऐसा निकल जाता है। तो ये इसका फ़िल्टर का लोकेशन है, वैगनार के सीरीज का, और उसके बाद ग्लो बॉक्स लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे फिटिंग होता है, और अभी इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो मतलब ऐसा दिखेगा तो नहीं कि हवा कितना आ रहा है, लेकिन आप खुद एक बार क्लीन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और मैकेनिक वगैरह को तो पता ही है इसके बारे में, जो एसी वगैरह का काम करते हैं उन लोग को तो आइडिया है इसका, ठीक है। बैठ गया, अभी छोड़ दो, तो अभी इसको ऑन करते, एक नंबर पर लगा, अभी देखो एकदम फ्लो बढ़ गया इसका, चार नंबर या तीन नंबर पर लगाएंगे, थोड़ा हाथ दूर भी रखेंगे तो पता चल रहा है कि इसके अंदर जो हवा है एकदम फास्ट आ रही है, ठीक है। जब हवा फास्ट आएगी तो कूलिंग भी अच्छी देगी, लेकिन कूलिंग ज़्यादा जब आती है, आप दो नंबर पे एसी चलाओगे तभी आपकी गाड़ी कूलिंग अच्छी देती है। तो ज़्यादातर